किशोर रजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। अयोध्या मामले पर राम मंदिर के पक्ष में आए फैसले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। लखनऊ में अयोध्या केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की पहली बैठक हुई, जिसके बाद पर्सनल लॉ बोर्ड ने फैसले में कई खामियां गिनवाई और इस मुद्दे पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया। साथ ही बोर्ड ने यह भी साफ किया कि एससी के जरिए दी गई 5 एकड़ जमीन उन्हें मंजूर नहीं है। फैसला तो यह है कि हम रिव्यू फाइल करेंगे, ये बोर्ड ने फैसला कर लिया है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के फैसले पर मुस्लिम उलेमा ही बटे नजर आए। कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इस्लाम से हटकर और राजनीति ज्यादा की तरफ है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने के ऐलान के बाद सियासत शुरू हो गई। AIMPLB ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कई खामियां बताते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का ऐलान किया है, जिसके बाद बीजेपी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर जमकर निशाना साधा और कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की नसीहत दी। जो राजनीतिक धंधेबाज हैं, उनका तो दुकान बंद होने जा रहा है ना भैया, उनके बिलाप को सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका बिलाप भारत में नफरत फैलाने वाला बिलाप है। विश्व हिंदू परिषद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जमकर घेरा। 5 जजों ने असाध्य मेहनत करके सर्वसहमति से एक फैसला बनाया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें रिव्यू का कोई पर्याप्त आधार होगा। अयोध्या मामले में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी मुस्लिम लॉ बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ खड़े नजर आए। हम मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, तो हिंदुस्तान के कानून का सम्मान भी करते हैं, हमने फैसला मान लिया। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर देश का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। पर्सनल लॉ बोर्ड जो रिव्यू पिटीशन की बात कर रहा है, मैं समझता हूँ ये भाईचारे के लिए अच्छा नहीं होगा और राष्ट्र के लिए भी अच्छा नहीं होगा। यूपी के उन्नाव में बन रही ट्रांस गंगा सिटी में मुआवजे की मांग पर किसानों का आंदोलन फिर भड़क गया। किसानों ने पावर सब स्टेशन में रखे पाइपों में आग लगा दी, जिसकी वजह से खेतों के बीच बने एक पावर सब स्टेशन से काला धुआं उठने लगा। आग इतनी भीषण थी कि उससे उठता काला धुआं काफी दूर से ही दिखाई देने लगा। किसानों का प्रदर्शन जारी है, किसानों ने यहाँ प्लांट के सामने पड़े पाइपों में आग लगा देखे, कितनी भीषण ये आग लगी हुई है, वही पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं, जबकि आग बुझाने की कोशिश कर रहे दमकल कर्मियों को भी काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। इस आग की चपेट में एक मिक्सर भी आ गया और घटना के बाद प्रशासन ने किसानों से शांति की अपील की। कुछ मिस्क्रियंट्स हैं जो इस तरह कोशिश कर रहे हैं, बाकी पूरी शांति है, आप सभी लोग स्वयं देख रहे हैं, ये शांति हम लोग बनाए रखेंगे, किसी कीमत पर शांति और कानून व्यवस्था प्रभावित नहीं होने देंगे। हालांकि किसानों ने प्रशासन पर उनकी बात नहीं सुनने और लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया। किसान अगर झगड़ा करना चाहता तो वो पहले ही कर लेता, लेकिन प्रशासन ने पूर्णता पूर्वक उसका पहले से प्लानिंग था कि किसानों को सिर्फ लाठी चलाना है और किसानों की बात नहीं सुनी गई। हंगामे के बाद प्रशासन ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच तेज कर दी। आध्यात्मिक गुरु नित्यानंद स्वामी के अहमदाबाद के आश्रम में एक युवती को बंधक बनाने के विरोध में आश्रम संचालकों और स्वामी नित्यानंद के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आश्रम के संचालकों पर नाबालिग बच्चों को गैर कानूनी रूप से रखने, उनसे काम करवाने का आरोप है। बेंगलुरु में नित्यानंद आश्रम में सेवा दे रहे एक दंपति ने आरोप लगाया कि उनके 4 बच्चों को आश्रम के लोग बिना बताए कहीं ले गए हैं। बच्चों की तलाश में उनके अभिभावक अहमदाबाद आकर केस दर्ज उन्होंने करवाया है। पूछताछ के बाद एक FIR आज विवेकानंद पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया गया है, चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन में जो भी हकीकत हमारे सामने आएगी, जो भी तथ्य आएंगे, उसके हिसाब से हम आगे का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उत्तरी थाईलैंड के एक शहर में एक महिला 22,000 वोल्ट के बिजली के तार की चपेट में आ गई। ये महिला सड़क पार करने के लिए ट्रैफिक रुकने का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी सड़क के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन टूटकर उसके ऊपर गिर गई। इससे पहले महिला अपने बेटे के साथ वहां मौजूद दुकान से खरीदारी करके बाहर निकलती दिखी। दुकान से निकलने के बाद वो फुटपाथ से उतरकर सड़क के किनारे खड़ी हो गई और ट्रैफिक रुकने का इंतजार करने लगी, लेकिन तभी ऊपर से गुजर रही बिजली की तार से चिंगारियां निकलने लगी। चिंगारियां निकलते देख महिला ने वहां से हटने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो संभल पाती 22,000 वोल्ट की लाइन उसके ऊपर ही गिर गई। महिला के तार की चपेट में आते ही वहां धमाका हो गया।
धमाके से आसपास मौजूद लोग भी डर गए। कुछ देर बाद दो लोग बुरी तरह घायल महिला के पास पहुंचे और उसे उठाकर फुटपाथ पर ले आए, लेकिन जब तक वो महिला की मदद कर पाते तार का एक दूसरा हिस्सा भी टूटकर फुटपाथ पर गिर पड़ा। हालांकि वहां मौजूद एक लड़के ने फुर्ती दिखाते हुए महिला को ऊपर खींच लिया, जिससे वो दोबारा करंट की चपेट में आने से बच गई। शिलोंग के सबसे पुराने चर्च में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। चर्च में मरम्मत का काम चल रहा था और इसी वजह से आग लगने की आशंका जताई गई, जो तेजी से चर्च के एक बड़े हिस्से में फैल गई और वहां से आग की ऊंची लपटें उठने लगी। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। चर्च के प्रति गहरी आस्था होने की वजह से आसपास के सैकड़ों लोग वहां जुट गए, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि वो सिवाय देखने के कुछ नहीं कर सके। उन्होंने तुरंत दमकल विभाग को इसकी खबर दी, लेकिन दमकल कर्मचारियों के वहां पहुंचने से पहले चर्च का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो चुका था। हालांकि दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत कर आग को और फैलने से बचा लिया। इस हादसे में दो लोगों की मौत की खबर है। गनीमत रही कि आग लगने के बाद चर्च में मौजूद दूसरे लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। अमेरिका में आए जबरदस्त बर्फीले तूफान की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका के कई इलाकों में वक्त से पहले ही भारी बर्फबारी शुरू हो गई और वहां के 22 करोड़ से ज्यादा लोग इसकी चपेट में, जिनको कड़ाके की ठंड और जबरदस्त बर्फबारी का सामना करना पड़ रहा है। बर्फीले तूफान की वजह से हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आई। ठंड और बर्फबारी की वजह से लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। गाड़ियों के बर्फ में फिसलने की वजह से कई हादसे भी हुए। कई जगहों पर बड़े बड़े ट्रक भी बर्फ में फिसल कर पलट गए। This morning up until about now, approximately 20 or so accidents. आधा फीट से ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से हालात बिगड़ गए। अकेले शिकागो में ही 1300 से ज्यादा उड़ानें बर्फबारी की वजह से रद्द करनी पड़ी। Definitely disappointed. I was supposed to be in West Palm Beach by 10:30 tonight. भारी बर्फबारी की वजह से दिन में भी देखना मुश्किल हो गया। बर्फबारी के साथ भीषण ठंड ने लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी। कई जगहों पर तो पारा -20 डिग्री तक गिर गया। बर्फबारी और ठंड से सबसे बुरा हाल शिकागो का है। आधे से ज्यादा अमेरिका इस वक्त कड़ाके की ठंड झेल रहा है। इतनी ठंड में लोगों के लिए बाहर निकलना और खुले में थोड़ी देर तक रह सकना भी मुश्किल हो गया। लेकिन अमेरिका के मौसम विभाग के मुताबिक हालात अभी और बिगड़ सकते हैं, क्योंकि शिकागो समेत कई इलाकों में पारा -30 डिग्री तक भी गिर सकता है। 0 डिग्री या उससे थोड़ा कम तापमान ही पानी को जमा देने के लिए काफी होता है। ऐसे में अगर पारा -30 डिग्री तक चला गया तो हालात बेहद खतरनाक हो सकते हैं। लोग भी मौसम के इस मिजाज से हैरान नजर आए, क्योंकि आम तौर पर नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में वहां इतनी बर्फ कभी नहीं गिरती। मौसम में आए इस खतरनाक बदलाव के लिए आर्कटिक ब्लास्ट यानी आर्कटिक महासागर और उसके आसपास के इलाकों से आने वाली बर्फीली हवाओं को जिम्मेदार बताया गया, क्योंकि रूस के साइबेरिया से चलने वाली इन हवाओं ने कनाडा और अमेरिका के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जो बर्फ से जमे आर्कटिक महासागर के ऊपर से गुजरने की वजह से और भी बर्फीली हो चुकी हैं। इन सर्द हवाओं की वजह से अमेरिका के ज्यादातर इलाकों में वक्त से पहले ही भीषण ठंड ने दस्तक दे दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका की लगभग 2/3 आबादी यानी करीब 22 करोड़ लोग इस बर्फीली आफत की चपेट में हैं। यूपी के आगरा में पार्सल की गाड़ी में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की यह घटना न्यू आगरा क्षेत्र में नेशनल हाईवे 2 के फ्लाईओवर पर हुई। चलती गाड़ी में अचानक धुआं निकलना शुरू हुआ, जिसके बाद आग की लपटें निकलना शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। गाड़ी के अंदर रखा हुआ पार्सल का सारा सामान जलकर राख हो गया। काफी मशक्कत के बाद दमकल विभाग की एक गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीन की गोपनीय दस्तावेज मिलने का दावा किया है। अमेरिका के इस अखबार ने दावा किया कि चीन ने लाखों वीगर मुसलमानों की नजरबंदी के लिए कोई दया नहीं की नीति अपनाई है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने आगे दावा किया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शिनजियांग प्रांत में अधिकारियों को आतंकवाद, अलगाववाद और घुसपैठ के खिलाफ जरा भी दया न दिखाने का आदेश दिया था। 403 पन्नों वाले गोपनीय दस्तावेजों में कम्युनिस्ट पार्टी की बेहद गोपनीय कार्रवाई के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि 2016 में कम्युनिस्ट पार्टी की चेन को शिनजियांग प्रांत का प्रमुख बनाए जाने के बाद नजरबंदी शिविरों का तेजी से इजाफा हुआ था, जिसे चेन ने सही बताते हुए चीन के राष्ट्रपति की भाषण वाली कॉपियां भी बांटी थी, जिनमें कहा गया कि हर किसी को पकड़िए जिन्हें पकड़ा जाना चाहिए। अमेरिका के अखबार ने आगे दावा किया कि चीन के नजरबंदी शिविरों में 10 लाख से ज्यादा विगर मुसलमान बंद है। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने गोपनीय दस्तावेज लीक होने पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।
अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने का रास्ता साफ होने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी राम से जुड़ी धार्मिक जगहों का विकास करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार राम वन गमन पथ बनाएगी। पता जा रहा है कि ये वही इलाका है जहां से राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान गुजरे। बताया गया कि मध्य प्रदेश में राम से जुड़ी ऐसी 9 जगहें हैं और इन सभी जगहों को आपस में जोड़ते हुए राम वन गमन पथ बनाया जाएगा। इन जगहों में चित्रकूट, पन्ना, डिंडोरी, शहडोल और अमरकंटक भी शामिल है। बताया गया कि कमलनाथ सरकार इन जिलों को 4 लेन वाले हाईवे से जोड़ेगी, साथ ही हर हाईवे पर पैदल यात्रियों के लिए भी अलग से इंतजाम किए जाएंगे। राज्य सरकार इसके लिए शुरुआती तौर पर 20 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर चुकी है। ऐलान तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 12 साल पहले किया था, लेकिन रामपथ बनने का काम कमलनाथ के राज में शुरू हो पाया। जाहिर है कि अब बीजेपी के साथ कांग्रेस का भी भगवान राम पर भरोसा बढ़ गया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी टॉरोल इलाके में भारी बारिश और बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। वहां बर्फबारी की वजह से हजारों घरों में अंधेरा छा गया और बर्फबारी की वजह से हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी नजर आई। ठंड और बर्फबारी की वजह से लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया और लोग घरों में ही कैद होकर रह गए। बर्फबारी होने की वजह से कई सड़कें बंद हो गईं, गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो गया। इस इलाके के सभी घर और पेड़ पौधे बर्फ से ढके नजर आए। बर्फ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से भी मदद पहुंचाई गई। हालात इस कदर बिगड़े कि मोबाइल फोन नेटवर्क भी कट गया, साथ ही बिजली कटने की वजह से ज्यादातर दुकानें भी बंद रहीं और हाईवे से जुड़ने वाली सड़कें भी बर्फबारी से बंद हो गईं, जिसे खोलने के लिए बर्फ हटाने वाली मशीनों की भी मदद ली गई। मौसम विभाग ने ऑस्ट्रिया में आगे भी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी है। पंजाब के संगरूर में एक दलित आदमी की हत्या से खफा लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बताया गया कि मारे गए आदमी का गांव के कुछ लोगों से पुराना विवाद था और इसी वजह से आरोपियों ने उसे अपने घर बुलाकर बेरहमी से पीटा, जिसके बाद अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इस बात से नाराज गांव वालों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में गांव की औरतों और बच्चों ने भी हिस्सा लिया और इन लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ भी अपनी नाराजगी जाहिर की। गांव वालों ने मारे गए आदमी के घर वालों के लिए मुआवजा और बच्चों के लिए सरकारी नौकरी की मांग की। परिवार नू घटो घट 50 लाख रुपया मुआवजा अते जो उसका बेटा जा उन्होंने लड़की हैगी उन्होंने सरकारी नौकरी वो लगनी चाहिए। साथ ही ऐलान किया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, नाराज गांव वालों ने एसडीएम ऑफिस के घेराव का भी ऐलान किया। लोगों का गुस्सा बढ़ता देख पुलिस भी हरकत में आई और इस मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। सारे वेपन वगैरह भी इन्वेस्टिगेट करांगे ते उस दे जब्त करावांगे ते लाइसेंस वगैरह भी कैंसिल करवा रहे हैं। लेकिन इस घटना ने विपक्ष को अमरिंदर सरकार पर हमले का मौका दे दिया। पर इत्थे हुण मांग की तो कीती है कैप्टन साहब ते सारा उन्हां दा लाणा तां गए हुए ने सैर करन शिकार करन पंजाब तां लाबार से हुण। विपक्ष का हमला बढ़ता देख सरकार के मंत्री भी बचाव के लिए सामने आए और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। दोषियों नूं सख्त सजा देने वास्ते सरकार दी